हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्त, आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे पीएचपी इंक्लूड एंड रिक्वायर्ड फंक्शन के बारे में। ठीक है, पीएचपी इंक्लूड एंड रिक्वायर्ड फंक्शन के बारे में। देखिए, एक फाइल में दूसरी फाइल को इंक्लूड या ऐड करने के लिए इंक्लूड और रिक्वायर्ड फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इंक्लूड फंक्शन, रिक्वायर्ड फंक्शन। इंक्लूड और रिक्वायर्ड फंक्शन के बारे में और कुछ जानेंगे। इसमें पहले एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट में टोटल पेजेस होगा 50। ठीक है, कितना पेजेस? 50 पेजेस होगा। हर पेज में हेडर फुटर सेम ही रखेंगे। तो क्या हम 50 पेजेस के लिए 50 बार हेडर फुटर क्रिएट करेंगे? अगर हम इस प्रकार 50 बार हेडर फुटर क्रिएट करेंगे तो प्रोजेक्ट हैवी हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार हेडर फुटर क्रिएट करके बार बार यूज करने के लिए इंक्लूड रिक्वायर्ड का फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रीयूज कर सकते। एक बार हेडर का फाइल क्रिएट करेंगे, एक बार फुटर का फाइल क्रिएट करेंगे। जहाँ पे आपको हेडर ज़रूरत है आप हेडर को इंक्लूड करेंगे और रिक्वायर करेंगे। जहाँ पे फुटर ज़रूरत है आप फुटर को इंक्लूड करेंगे और रिक्वायर करेंगे। इस प्रकार आप आपका टाइम को सेव कर सकते इजीली और आपका प्रोजेक्ट को भी हैवी नहीं होगा। इंक्लूड फंक्शन, पहले इंक्लूड फंक्शन समझ लीजिए। इंक्लूड मेथड का इस्तेमाल एक फाइल को दूसरे फाइल में इंक्लूड करने के लिए होता है। इंक्लूड मेथड में हम किसी फाइल को ऐड करना चाहते हैं और फाइल के पाथ डिफाइन करना होता है। अगर हम इंक्लूड मेथड का इस्तेमाल फाइल को इंक्लूड कर रहा है और वही फाइल फाइंड नहीं हो रहा है तो वो मेथड जस्ट वार्निंग एरर शो करेगा। स्क्रिप्ट कंटिन्यू होगा, स्टॉप नहीं होगा। लेकिन इंक्लूड वांस फंक्शन का इस्तेमाल भी इंक्लूड फंक्शन की तरह ही होता है। फाइल को इंक्लूड करने के लिए होता है, लेकिन मान लीजिए अपने इंक्लूड फंक्शन का इस्तेमाल हेडर डॉट पी एच पी फाइल को ऐड किया और वही मिस्टेक अपने इंक्लूड फंक्शन से दोबारा हेडर डॉट पी एच पी फाइल ऐड कर दी तो क्या होगा? कि वही हेडर दोबारा वेबसाइट में शो होगा। तो बाई मिस्टेक भी एक से ज़्यादा बार फाइल ऐड हो जाए, लेकिन वो एक बार ही देखे। तो इसके लिए हम इंक्लूड वांस फंक्शन का इस्तेमाल करते। इंक्लूड वांस में क्या होता कि पीएचपी स्क्रिप्ट चेक करता है कि फाइल इंक्लूड है कि नहीं। ठीक है, देन रिक्वायर्ड वांस फंक्शन का इस्तेमाल भी रिक्वायर्ड वांस की तरह ही फाइल को इंक्लूड करने के लिए होता है। लेकिन मान लीजिए अपने रिक्वायर्ड फंक्शन का इस्तेमाल से हेडर डॉट पी एच पी फाइल को ऐड किया और बाय मिस्टेक अपने रिक्वायर्ड फंक्शन से दोबारा हेडर डॉट पी एच पी फाइल ऐड कर दी तो क्या होगा? कि वही हेडर दोबारा वेबसाइट में शो होगा। तो बाय मिस्टेक भी एक से ज़्यादा बार फाइल ऐड हो जाए, लेकिन वो एक बार ही देखे। तो इसके लिए हम रिक्वायर्ड वांस फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। रिक्वायर वांस में क्या होता है कि पीएचपी स्क्रिप्ट चेक करता कि फाइल इंक्लूड है कि नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, तीनों पेज क्रिएट किया। हेडर के लिए अलग एक पेज है, फुटर के लिए अलग एक पेज है, डेमो के लिए अलग एक पेज है। ठीक है, अलग अलग तीनों पेज मैंने क्रिएट किया। मेरे को क्या करना है, मेरे को डेमो पेज पे हेडर को फुटर को ऐड करना है। हेडर का पोजीशन को हेडर पे, फुटर का पोजीशन को फुटर पे ऐड करना है। अगर मैं और 20 पेज बनाऊंगा, हेडर फुटर ऐड करूंगा, तो मैंने
और 20 बार हेडर फुटर नहीं क्रिएट करूँगा, इंक्लूड रिक्वायर्ड करूँगा। ठीक है, अगर इंक्लूड करूँगा तो इंक्लूड करेगा, रिक्वायर्ड करूँगा तो रिक्वायर्ड करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जैसे चाहिए आपके हिसाब से इंक्लूड रिक्वायर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए देखिए मेरे को डेमो पेज पे हेडर को इंक्लूड करना है। पीएचपी स्टार्ट इंक्लूड देन हेडर पेज का नेम बस टाइप करना है और कुछ नहीं है। मेरा हेडर का जो पेज है, पेज का नाम हेडर डॉट पीएचपी है। सेव रिफ्रेश, देखिए नाबार आ गया। मैंने हेडर डॉट पीएचपी पे नाबार का सारे कोड किया लेकिन डेमो डॉट पीएचपी में कैसे लेकर आया। ठीक है, इंक्लूड का काम है, रिक्वायर्ड का काम आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है, देन फोटर को भी ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नया है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। फुटर को ऐड करने के लिए फुटर को स्टार्ट करना है, फुटर को एंड करना है पहले। इसके अंदर फुटर पीएचपी को स्टार्ट करेंगे, पीएचपी को एंड करेंगे, देन इंक्लूड फुटर का नेम फुटर डॉट पीएचपी, जो भी आपका फुटर पेज का नेम होगा वही पेज का नेम आपको डालना है। ठीक है, देखिए मैंने पीएचपी स्टार्ट किया इंक्लूड, देन मेरे फुटर का जो पेज है फुटर डॉट पीएचपी है, ये मेरा बॉडी है। ठीक है, होम पेज जो है ये मेरा बॉडी है, इसके नीचे रहेगा फुटर। ठीक है, इस चीज ठीक है, फुटर पेज में और कुछ नहीं है, बस मैंने फुटर पेज के लिए कोडिंग किया और कुछ नहीं है। फुटर स्टार्ट किया, फुटर को एंड किया, देन पीएचपी स्टार्ट किया इंक्लूड फुटर डॉट पीएचपी, बस इतना ही। सेव रिफ्रेश, अगर मैं इस कार्ड का कोड को कॉपी करके पेज का जो बॉडी है इसका अंदर डालूंगा, देखिए टॉप में हेडर रखा, इसके बाद बॉडी, लास्ट में फुटर। देखिए इस प्रकार आप रिक्वायर्ड को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर मेरे को और एक पेज क्रिएट करना है, उसी पेज में हेडर फुटर दोनों को ऐड करना है, तो क्या मेरे को दोबारा हेडर फुटर क्रिएट करने के लिए ज़रूरत नहीं है, बस मेरे को इंक्लूड करना है। हेडर का पोजीशन पे हेडर को इंक्लूड करना है, फुटर का पोजीशन पे फुटर को इंक्लूड करना है, बस इतना ही और कुछ नहीं करना है। अगर 50 पेज में क्रिएट करूँगा, 50 पेज में बस इंक्लूड करूँगा और रिक्वायर्ड करूँगा। ठीक है, अब आपके हिसाब से कर सकती है इंक्लूड रिक्वायर्ड, जो भी ज़रूरत है एक बार क्रिएट करके बार बार यूज करना, टाइम को सेव करना, इसके साथ काम को आसान करना, आप इजीली इस मेथड को यूज कर सकते हैं। इंडेक्स डॉट पीएचपी, देखिए मैंने एक इंडेक्स डॉट पीएचपी पेज क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया हेडर डॉट पीएचपी और कुछ नहीं है। ठीक है, देन फुटर को भी इंक्लूड करेंगे सेम तरीका। फुटर इस चीज को मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, देखिए इंक्लूड हेडर क्या, इंक्लूड फुटर भी क्या, सेव रिप्लेस, देखिए हेडर फुटर आ गया, ये मेरा पेज का बॉडी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।